नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय प्रदीप साहू पर। और हम पढ़ रहे थे मैथमेटिक्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉर HSSC एग्जाम। ठीक है, जितने भी HSSC के पेपर्स में पिछले वर्षों में क्वेश्चन आए हुए हैं, चाहे वो किसी भी पेपर के हों, हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं और चैप्टर वाइज उनको पढ़ रहे हैं। तो हमारा चैप्टर आज का है मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो सबसे पहले हम एलिगेशन को समझेंगे कि किस जगह एलिगेशन लगाना, किस जगह नहीं लगाना और किसका रेशो आता है वहां पर। ठीक है, रेशो एंड प्रोपोर्शन हम पढ़ रहे थे, वो हमने कंप्लीट किया। तो अब हमारा बचता है वहां से मिक्सचर एंड एलिगेशन। ठीक है, और कुछ बच्चे ये पूछ रहे थे कि जी HSSC का मैथ्स का सिलेबस बता दो, तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। बच्चे आपको कंफ्यूजन रहती होगी क्या हमें पढ़ना है, क्या हमें नहीं पढ़ना, क्या पहले पढ़ना है, क्या बाद में पढ़ना है, वो सब चीजें, और कहाँ से पढ़ना है, वो सब चीजें मैं आपको बता दूंगा। तो वो कन्फ्यूजन भी आपकी दूर हो जाएगी। एक वीडियो बना दूंगा मैं 5, 7 या 10 मिनट की, तो उसमें सब चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन अगर उसको फॉलो करोगे तो वो ये है कि जब तक HSSC एग्जाम का सिलेबस डिक्लेयर ना करे तब तक ये सब चीजें हमें करनी पड़ेंगी, और जब सिलेबस डिक्लेयर कर दे कि जी ये सिलेबस आएगा, फिर तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ठीक है, चलो तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि जी एलिगेशन कैसे लगाओगे। किसी भी क्वांटिटी पर एलिगेशन लगता है, अगर वो मिक्सचर के अंदर है, यानी आपको ये पता है कि जी आप वाटर, और ये मान लो मिल्क एंड वाटर का मिक्सचर ले रहे हैं, और दो तरह के आपके पास मिक्सचर है, तो एक के अंदर आपने ये ले लिया कि जी क्वांटिटी ऑफ मिल्क लिया है आपने, और डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी कि जी इतनी मिल्क की क्वांटिटी है पहले वाले में और टोटल इतना है, दूसरे वाले में मिल्क की क्वांटिटी इतनी है m है और टोटल यहाँ भी t है, या फिर ये मान लो t1 ये t, ये m2 और ये t2, और यहाँ पर आपने रखा कि जी दोनों को मिक्स करने के बाद में जो क्वांटिटी आती है वो m3 मिल्क की क्वांटिटी है और t3 यहाँ पर टोटल क्वांटिटी है। तो अब यहाँ से जो रेशियो निकालोगे ना बच्चे, वो किसका आएगा, वो रेशो आएगा क्वांटिटी का, यानी t1:t2 का आएगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। एलिगेशन अगर आप टाइम पर लगा रहे हो, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में अगर आप टाइम पर लगा रहे हो, ठीक है, यहां भी टाइम लिख रहे हो, तो यहां किसका रेशो आएगा। तो आपको पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू में टाइम होता है, और टाइम निकाल ले तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो रेशो आएगा ना बच्चे, वो स्पीड का आएगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, और कैसे लगाएंगे वो हम क्वेश्चन में देखेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पर प्रॉफिट का लगा रहे हो, प्रॉफिट परसेंट यहाँ पर इतना है, यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट इतना है, दोनों को मिला करके प्रॉफिट परसेंट दिया है, तो यहाँ पर रेशो किसका आएगा। तो आपको पता है प्रॉफिट किस पर होता है, तो प्रॉफिट परसेंट जब निकालते हो तो वो सीपी पर निकालते हो ना, तो प्रॉफिट परसेंट सीपी पर होता है, तो यहाँ पर रेशियो आएगा वो सीपी का आएगा बच्चे। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, जो बाय में होती है, जिसके रिस्पेक्ट में चीजें निकाली जाती है, रेशियो एलिगेशन में उन्हीं का आता है। ठीक है, बाकी चीजें में जो भी आपके क्वेश्चन आएंगे जिस टाइप के, वैसे वैसे मैं साथ बताता रहूंगा। ठीक है, चलो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कहता है, देखो कहता है कि जी चावल की दो किस्म है, 1 और 2 दे रखा है इसने चावल 1 राउंड 2 को, 5:3 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। यदि चावल 2 की 16 किलोग्राम मात्रा मिश्रण में मिला दी जाती है तो अनुपात बदलकर 5:7 हो जाता है। नए मिश्रण में चावल की, चावल जो दूसरे नंबर का है उसकी मात्रा कितनी है ये आपको बताना है। ठीक है, चावल की दो किस्में, चावल 1 चावल 2 को अनुपात क्या है, 5:3 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। देखो अच्छा क्वेश्चन है, स्टेनोटाइपिस्ट के पेपर में क्वेश्चन आया था बच्चे कि जी ये है फर्स्ट टाइप का और ये है सेकंड टाइप, रेशो क्या है 5:3। अब क्या कहता है कि जी इनका मिश्रण किया जाता है, यदि चावल 2 की मात्रा 16 किलोग्राम मात्रा मिश्रण में मिला दी जाए तो नए अनुपात में 5:7 हो जाएगा। 5:7 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कब हो जाएगा ये, जब इसको कितना मिला दिया गया, प्लस कर दिया गया 16 किलोग्राम। जब 16 किलोग्राम यहां पर मिला दिया गया
तब कितना हो गया भाई, ये 5:3 से 5:7 हो गया। ठीक है, मिलाया कौन सा गया है, तो सिर्फ दूसरा मिलाया गया, यानी चेंज किस में हुआ है, चेंज किस में आया है, तो दूसरे नंबर वाले चावल में आया, पहले वाला तो सेम ही रहेगा, तो पहले वाला सेम रहेगा तो यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है। ठीक है, तो ये तो सेम ही है, अगर ये सेम है तो फिर आपको कुछ नहीं करना, फिर यहाँ पर आपको देखना है कितने यूनिट बढ़ा, तो कितने यूनिट बढ़ा, 4 यूनिट बढ़ा। ठीक है, लेकिन रियलिटी में कितना बढ़ा, 16 बढ़ा, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 किलोग्राम हो जाएगी। तो आपसे पूछा है कि जी पहले एक प्रकार का मिश्रण में चावल 2 की मात्रा कितनी है, तो चावल 2 की मात्रा कितनी है, तो 4 यहाँ पर दी हुई है, और अब आपको बताना है कि मिश्रण में चावल 2 की मात्रा कितनी है, तो 7 की वैल्यू आपको निकालनी है, 7 चौके कितना हो जाएगा, 28, 28 किलोग्राम इसके अंदर मात्रा है इसकी। ठीक है, दूसरे नंबर वाले चावल की मात्रा कितनी है मिश्रण में, तो 28 किलोग्राम, पहले का पूछता तो 4 किए 12 हो जाती, 12 में 16 मिलाया तभी 28 हुआ, पहले चावल का पूछा होता तो 5 चौके 20 किलोग्राम ही यहाँ पर है, 20 किलोग्राम ही यहाँ पर होता। ठीक है, इसमें तो कोई चेंज हुआ ही नहीं है। ठीक है, चलते हैं बच्चे सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, देखो ग्लिसरीन के 50 लीटर के एक नमूने में 20% की अशुद्ध मिलावट पाई गई, इसमें कितनी अशुद्ध मिलावट और कर दी जाए ताकि अशुद्धता की प्रतिशत 5% रह जाए, इसमें कितना ग्लिसरीन मिलाई जाए, अशुद्ध नहीं करना यहाँ पर। ठीक है, ग्लिसरीन कितना और मिलाया जाए कि अशुद्धता जो है वो अब 5% ही रह जाए। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना बच्चे, आपको कितना दिया हुआ, 50 लीटर मिश्रण था, उसमें से 20% क्या है, अशुद्ध है, तो 20% इसका निकालोगे तो कितना आएगा, 10 लीटर आएगा। अब ये जो 10 लीटर है ना, ये क्या है, ये अशुद्धि है। ठीक है, और ये पहले कितनी थी, 20% थी, लेकिन हमें अब कितनी बनानी है, 5% बनानी है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चे, किसी मिला क्या रहा है, ग्लिसरीन मिला रहा है, अशुद्धि उतनी की उतनी रहेगी। ठीक है, तो उसके अंदर अशुद्धि कितनी रहेगी, तो 10 लीटर ही रहेगी, और इस 10 लीटर को क्या कर देना है, 5% की वैल्यू कितनी है, 10 लीटर है, 5% की वैल्यू कितनी, 10 लीटर है। ये बात समझ में आ गई किसी, ये तो इतनी रखनी है और ये 5% हो जानी चाहिए पूरे सॉल्यूशन की, तो 5% की वैल्यू 10 है, तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए दोनों तरफ 20 से मल्टीप्लाई कर दो, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200 लीटर हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 200 लीटर हो जाएगी। तो अब कितना मिलाया गया होगा, तो ग्लिसरीन को 50 लीटर तो पहले ही था, अब टोटल कितने लीटर हो गया है, जो सॉल्यूशन था वो 200 लीटर हो गया है, तो कितना और मिलाया गया होगा, तो 150 लीटर ग्लिसरीन और मिलाई गई होगी। ठीक है, 150 लीटर ग्लिसरीन और मिलाई गई होगी, 200 लीटर में से 10 लीटर क्या है, अशुद्धि है, तो 10 बटे 200 करोगे तो कितना आएगा, 5% ही आएगा ना, यानी 10 लीटर है किसका, 200 का, तो ये 5% ही होगा, 1/20 5% ही तो होता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि जी जो चीज मिला रहा है, जिसमें चेंज हो रहा है, उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमें इतना पता है ये 10 लीटर है और ये 5% हो जाएगी, तो ये 5% हो रही है, तो बाकी 95% क्या रहा होगा, ग्लिसरीन ही रहा होगा। ठीक है, तो हम पूरा 100% की वैल्यू निकाल लेते हैं, पहले हमारे पास 50 लीटर था और अब हमारे पास कितना हो गया, 200 लीटर हो गया, तो 150 लीटर और मिलाया गया होगा। ये क्वेश्चन है बच्चे सब इंस्पेक्टर के एग्जाम का, एक दुकानदार ने 80 किलोग्राम चीनी 13.50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदी, उसने इसे 16 रुपये प्रति किलोग्राम की दर वाली 120 किलोग्राम चीनी से मिला दिया, उसने 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए मिश्रण को कितने मूल्य में बेचना पड़ेगा, ये आपको बताना है, मिश्रण को कितने मूल्य में बेचे कि उसको 20% का लाभ हो। देखो एलिगेशन लगाओ कि दो तरीके हैं आपको, पहले तो ये कर सकते हो 80 किलोग्राम इसके हिसाब से, ठीक है, फिर 16 किलोग्राम 120 के हिसाब से टोटल पैसे बना लिए, और उस पैसे को क्या करना पड़ेगा,
उस पैसे को 120 बटे 100 करना पड़ेगा और फिर जो आपका 80 किलोग्राम और 120 200 किलोग्राम है उससे डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन इतना करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो 13.50, ये पहली प्रकार की चीनी है, ठीक है। और दूसरे प्रकार की है वो कौन सी है, 16 रुपए पर केजी, ठीक है। और दोनों को मिलाकर के 20% का प्रॉफिट कमाना है, तो ये वाला तो हमें निकालना पड़ेगा कि जिस यहाँ पर सीपी क्या होगा। और इसने पूछा क्या है, प्राप्त करने के लिए मिश्रण को कितने मूल्य में बेचना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो मिश्रण का सीपी निकालेंगे, पहले सीपी निकालेंगे तभी बता सकते हैं ना कि जी उसका एसपी क्या रहा होगा 20% बढ़ करके, ठीक है। तो हमें मिश्रण का सीपी जो मिलेगा वो यहाँ पर मिलेगा, लेकिन मिलेगा कैसे, तो पहले वाली चीनी कितनी है, यहाँ पर क्वांटिटी का ही रेशो आता है ना, तो 80 किलोग्राम है। दूसरे वाले कितनी है, 120 किलोग्राम है। ये कटेगा 2 पर, ये कटेगा 3 पर, 2:3 आ गया यहाँ से। और यहाँ का डिफरेंस कितना है, तो ये है यहाँ से टोटल 5 हो रहा है और डिफरेंस कितना है भाई 2.5, 5 हो रहा है ना यहाँ से टोटल, तो यहाँ से टोटल अगर 5 हो रहा है और डिफरेंस कितने का है 2.5 का है, तो एक की वैल्यू क्या आएगी, एक की वैल्यू आएगी 0.5, ठीक है। तो यहां से ये वाला छोटा है, ये वाला बड़ा है, यानी इसमें जुड़ करके आएगा, तो 0.5 और 3 से करोगे तो 1.5, यानी यहाँ पर 1.5 आया होगा। वो कैसे आया होगा, तो इसमें से इसको घटाया होगा तब आया होगा, इसमें से इसको घटाया होगा तभी आया होगा। तो इसमें से इसको घटाया है तो अब क्या करें, इसको इसमें जोड़ देते हैं ये निकालने के लिए। तो इसको इसमें जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, यानी यहाँ पर क्या रहा होगा रेट 15 रुपए पर केजी। लेकिन ये क्या है, ये 15 रुपए तो सीपी है, एसपी निकालना है तो इसका 120 बटे 100 करेंगे, क्योंकि 20% प्रॉफिट भी कमाना है भाई। तो कितना हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा, 3 पे काटोगे 6 × 3 = 18, ठीक है। और पूरी वीडियो में मैं एक क्वेश्चन बच्चे आपको देता हूँ, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर किया करो, ठीक है। उससे ये चीज भी पता चलती है कि आप वीडियो कितनी देखते हो और उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने किया कि नहीं किया, उसमें से कौन सा क्वेश्चन आपने किया, कौन सा क्वेश्चन छोड़ दिया है, वो चीजें आपकी पता चल जाती हैं, ठीक है। और एक टाइप का एक क्वेश्चन उस टाइप का करवाया हुआ भी होता है, एक व्यापारी 20 रुपए प्रति किलोग्राम वाले 26 किलोग्राम और 36 रुपए प्रति किलोग्राम वाले 30 किलोग्राम चावल में मिश्रित करता है और यह मिश्रण 30 रुपए प्रति किलोग्राम में बेचता है, तो उसका लाभ का प्रतिशत क्या है, ठीक है। ये कंडक्टर का क्वेश्चन है और इसी का आंसर आप करना, क्योंकि लास्ट में जाकर के दूंगा तो तुम करके नहीं आओगे, ठीक है, क्योंकि तुम लास्ट तक पहुंचते ही नहीं हो। पता नहीं कौन सी इतनी बोरिंग चीजें हैं ये कि जी आप लास्ट तक पहुंचते ही नहीं हो, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे चाहिए और सभी बच्चे आंसर करना। और अगर वीडियो में कोई भी कमी हो ना बच्चे, तो आप बता दिया करो कमेंट करके कि जी ऐसे ऐसे ये चीजें करवाओ या ये चीजें नहीं करवानी है। ये कलर के एग्जाम का क्वेश्चन है, लेकिन ये बातें मत लिखा करो बच्चे कि जी वो चैप्टर ये चैप्टर आप बेसिक से करवाते हो, जी आप शॉर्ट ट्रिक से करवाओ, आप शॉर्ट ट्रिक से करवाते हो बेसिक से, पहले बेसिक जाकर के पढ़ो तो सही, शॉर्ट ट्रिक कहाँ से बनी है, वहीं से बनी है। क्वेश्चन में टाइम लगता है क्या, टाइम नहीं लगता बच्चे, ठीक है। कहता है एक दूध बेचने वाले के पास 20 लीटर दूध है, वह उस 20 लीटर दूध में 5 लीटर पानी मिलाता है, तो मुफ्त में उपलब्ध जो मुफ्त में उपलब्ध है भाई, यदि अशुद्ध दूध की कीमत 18 रुपए प्रति लीटर है, तो संपूर्ण मिश्रण को वह लागत कीमत से बेचे। अब वो पूरे के पूरे मिश्रण को लागत कीमत से ही बेच रहा है, ठीक है। उसका लाभ प्रतिशत होगा, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा ये आपको बताना है। ये कहता है कि जी 20 लीटर उसके पास दूध है और उसने 5 लीटर पानी मिला दिया, चाहे ये 20 लीटर और 5 लीटर ले लो, चाहे आप 4:1 ले लो, कि जी अगर 4 लीटर दूध होगा तो 1 लीटर पानी बेचेगा वो, और वो कहता है कि जी उसकी कीमत कितनी है 18 रुपए प्रति लीटर है और वो लागत कीमत पर ही बेच रहा है, ठीक है। उसकी कीमत भी इतनी है, कितनी दे रखी है 18 रुपए पर लीटर है, ठीक है, और वो लागत कीमत पर ही दूध को बेच रहा है, यानी 18 के हिसाब से ही दूध को बेचेगा। तो मेरे भाई 18 के हिसाब से बेचेगा, तो आप ये बताओ कि जी पैसे कितने लगे, तो 4 लीटर ही खरीदा था ना दूध, तो 4 लीटर दूध खरीदा था, 18 × 72 रुपए लगे थे, अब प्रॉफिट कितने का होगा। तो
ये 4 लीटर तो खरीदा था दूध, 4 लीटर ही दूध बेचा है, लेकिन 1 लीटर इसने पानी भी बेचा है ना, जो मुफ्त में आता है। कितने में आता है? मुफ्त में आता है, वो बिल्कुल मुफ्त में आता है। इसका मतलब क्या है कि जी इसने 18 रुपए बचाए भी होंगे 1 लीटर पानी जो दूध के भाव में बेचा है। तो 1/4, 1/4 कितना होता है? 25% होता है। आप सीधा भी यहां से कह सकते थे कि जी 4 लीटर दूध की लागत में 1 लीटर फ्री का पानी जो बेच रहा है वो बचा रहा है, 1 लीटर बचा रहा है 4 लीटर पे, ठीक है, 1 रुपया बचा रहा है 4 रुपए पे, ठीक है, तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि लागत मूल्य और जो बेच रहा है वो मूल्य बराबर ही है, तो 25% आ जाता है, ठीक है। तो ये कल रख का क्वेश्चन था, अब इससे शॉर्ट कुछ नहीं हो सकता। अभी इससे शॉर्ट है, राम का नाम 2 अक्षरों का होता है, लिया का। एक 60 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। यदि यह अनुपात 1:2 करना है तो कितना पानी मिलाना पड़ेगा? मिला क्या रहा है? पानी मिला रहा है। कितना पानी मिलाना पड़ेगा? और दूध में तो पानी मिलाएगा, तो पहले कितना है? 2:1 है। टोटल कितना है? 60 लीटर है। यहां से टोटल कितना है? 3, यानी 3 की वैल्यू 60, तो 1 की वैल्यू 20, 2 की वैल्यू 40, ये था 40 लीटर, और ये कितना था? तो ये था 20 लीटर, ठीक है। यदि वह अनुपात 1:2 करना है, उस अनुपात को कितना करना है? 1:2 करना है, तो कितना पानी मिलाते हैं? तो इसमें दूध था ये और ये था वाटर, ये पानी तो मिलाना है, यानी इसके अंदर तो चेंज होगा। क्या दूध के अंदर कोई भी चेंज होगा? नहीं होगा। दूध अगर 40 लीटर यहां पर है तो दूध 40 लीटर ही यहां पर होगा, पानी मिला रहा है ना, दूध के साथ तो कोई छेड़खानी नहीं है, ना तो मिश्रण निकल रहा है ना तो दूध और डाल रहा है। तो 40 लीटर यहां पर है तो 40 लीटर यहां पर होगा, और कितना मिलाना पड़ेगा वो तो हमें यह से पता चलेगा कि जी ये 40 लीटर है लेकिन रेशियो में 1 है, तो 1 की वैल्यू 40 हुई, 2 की वैल्यू 80 लीटर हुई, ठीक है। 1 की वैल्यू 40 लीटर, 2 की वैल्यू 80 लीटर, पहले पानी 20 लीटर था, अब 80 लीटर है, तो कितना मिलाया होगा? 60 लीटर मिलाया होगा। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा बच्चे, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलें भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कंडक्टर का क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था बच्चे। एक बर्तन में 4:1 में एसिड और पानी है, और घोल की कुल मात्रा 20 लीटर है, इसमें से घोल की कितनी मात्रा निकालकर उतनी ही पानी मिलाया जाए कि यह नए घोल में एसिड और पानी का जो अनुपात है वो 3:2 हो जाए। इस क्वेश्चन को करने से पहले इसका थोड़ा सा आप समझ लो कि जी बेसिक क्या रहेगा। बच्चे हमेशा क्या होता है, आपने ये मान लिया कि जी कोई केन है, इसके अंदर 100 लीटर मिश्रण है मिल्क और वाटर का, ठीक है। ये मान लेते हैं कि जी ये 4:1 में है, इसमें से आपको कहा गया कि जी 20 लीटर मिश्रण जो है वो निकाल दो, तो बचा हुआ मिश्रण कितना होगा भी? 80 लीटर होगा। तो 80 लीटर जो बचेगा वो कैसे निकालोगे कि जी उसके अंदर मिल्क और वाटर कितना है, कैसे निकालोगे? तो आप कहोगे कि जी 80 लीटर में अगर 4:1 है तो यहां पर 5 की वैल्यू ये हुई, 4 की वैल्यू 64 हो जाएगी, 16 हो गई ना 1 की वैल्यू, तो 1 की वैल्यू 16 हो जाएगी, ठीक है। अगर 20 लीटर निकला है तो वो कैसे निकालोगे? तो ये तो है नहीं कि भी आपने दूध दूध निकाल दिया, 20 लीटर मिश्रण निकलेगा। तो अगर 4 लीटर ये निकलता है तो 1 लीटर ये निकलेगा, अगर 8 लीटर ये निकलता है तो 2 लीटर ये निकलेगा, 8 और 2 तो 10 ही हुआ, ठीक है। अगर 16 लीटर ये निकलता है तो 4 लीटर ये निकलेगा, यानी ये निकल गया जी 16 लीटर और ये निकल गया 4 लीटर, तभी तो 20 लीटर निकलेगा, ठीक है। यहां पर रेशो क्या है? यहां पर जो निकाला गया यहां पर 4:1 है, जो बचा है वहां पर रेशो क्या है? तो 16 चौके 64 होता है, 16 एकम 16, 4:1। तो समझने वाली बात ये है प्यारे बच्चे कि जी जब भी आप मिश्रण में से कुछ मिश्रण निकालते हो, चाहे वो कितना भी मिश्रण निकालो, तो जो मिश्रण निकलेगा वो भी उसी रेशो में होगा जिस रेशो में मिश्रण आपको दिया हुआ है, और जो मिश्रण बचेगा वो भी उसी रेशो में होगा जिस रेशो में आपको मिश्रण दिया हुआ है,
ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये बात आप इस क्वेश्चन में यूज कैसे करोगे, ये देखो कि इस क्वेश्चन में यूज कैसे करें इस बात का। कहता है एक बर्तन में से, एक बर्तन में 4:1 के अनुपात में एसिड और पानी है और घोल की कुछ मात्रा 20 लीटर, कुल मात्रा कितनी है 20 लीटर है। इसमें से घोल की कितनी मात्रा निकालकर उतने ही पानी मिलाया जाए, किसी नए घोल में एसिड और पानी की अनुपात कितना हो जाए 3:2 हो जाए, कितना हो जाए 3:2 हो जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ वैसा ही है, स्टेनो के पेपर में आया हुआ, अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना। हमने ये कहा कि जी हमने कुछ पानी इसमें से निकाल लिया, जो क्या था, कुछ मिश्रण निकाल लिया 4:1 के एसिड और वाटर का जो मिश्रण है उसमें से कुछ निकाल लिया, हमने कर लिया -x लीटर। ठीक है, यानी x लीटर हमने निकाल लिया। ठीक है, तो अब क्या है, अब ये हुआ कि जी टोटल तो ये 20 लीटर है, तो यहां पर बचेगा, अगर निकाल लिया तो वो बचेगा, वो भी किस रेशो में बचेगा 4:1 में बचेगा, किस रेशो में बचेगा 4:1 में बचेगा। और अब क्या हुआ, अब इसके अंदर क्या किया गया, जितने कितनी मात्रा निकाली जाए उतना ही पानी डाला जाए, तो ये जो एक्स लीटर आपने मात्रा निकाली है ना, उतना ही क्या कर दिया गया, पानी को एड कर दिया गया। क्या किया गया, पानी को उसके अंदर उतना ही एड कर दिया गया, तो रेशो कितना हो गया प्यारे बच्चे 3:2 हो गया। लेकिन आपको पता था यहां पर मिश्रण 20 लीटर है, इसमें से x लीटर निकाला, मिश्रण निकाला और x लीटर पानी डाल दिया, तो अब भी टोटल क्या होगा, यहां पर टोटल 20 लीटर होगा कि नहीं होगा, होगा भाई, यहां पर भी 20 लीटर होगा। अगर यहां पर 20 लीटर होगा तो ये बताओ कि टोटल यहां पर है कितना, 5 है, 5 की वैल्यू 20 है तो 1 की वैल्यू 4 लीटर हुई और 3 की वैल्यू कितनी हो गई 12 लीटर, 2 की वैल्यू कितनी हो गई 8 लीटर, यानी यहां पर 12 लीटर अगर एसिड है, 8 लीटर अगर पानी है, तो आप ये बताओ कि जी यहां से यहां तक आने में हमने सिर्फ पानी मिलाया, क्या एसिड में कोई चेंज किया, नहीं किया, हमने क्या मिलाया, सिर्फ पानी मिलाया, एसिड में कोई चेंज नहीं किया। अगर 12 लीटर यहां पर एसिड है तो यहां पर भी 12 लीटर एसिड रहा होगा, अगर यहां पर 12 लीटर एसिड है तो 4 की वैल्यू 12 हो गई, 1 की वैल्यू कितनी होगी 3 लीटर हो गई, तो यहां पर 1 की वैल्यू कितनी रही होगी 3 लीटर रही होगी, यानी यहां पर पानी 3 लीटर था, यहां पर पानी 8 लीटर हो गया, यानी कितना पानी मिलाया गया, तो 5 लीटर मिलाया गया, x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 5 लीटर आ गई। ठीक है, तो यही पूछा था कि जी कितना पानी, उतना ही पानी मिला दिया जाए, कितना मिश्रण निकाला जाए घोल में से उतना ही पानी मिला दिया जाए, तो x मिश्रण निकाला गया था, x पानी डाला गया था, उस x की वैल्यू 5 है, तो 5 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाए और 5 लीटर पानी डाल दिया जाए, तो उसका अनुपात क्या हो जाएगा 3:2 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, रिपीट करके देख लेना, ध्यान से समझना, और ये कंसेप्ट आपको हमेशा याद रखना है कि जी जब किसी भी मिश्रण से कोई मिश्रण निकाला जाता है, चाहे वो मात्रा कितनी भी हो, वो उसी रेशो में निकलेगी जिस रेशो में वो मिश्रण पहले दिया हुआ है, और बचेगा जो मिश्रण वो भी उसी रेशो में बचेगा जिस रेशो में मिश्रण दिया हुआ है। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चे। ₹15 प्रति लीटर वाले दूध में पानी कितने अनुपात में मिलाया जाए जाना चाहिए कि प्रति मिश्रण क्या है कि प्रति मिश्रण का मूल्य ₹9 प्रति लीटर हो जाए। अब मिलाना तो पानी है, ₹15 प्रति लीटर का दूध है, ठीक है, और पानी किस हिसाब से मिलता है, तो ₹0 पर लीटर के हिसाब से एलिगेशन लगा देंगे। मिश्रण कितने रेट का बन जाना चाहिए, 9 के रेट का बन जाना चाहिए, अनुपात ही तो बताना है, तो क्रॉस डिफरेंस निकालोगे, अनुपात किसका आएगा, क्वांटिटी का आएगा, कौन सी क्वांटिटी का आएगा, तो यहाँ पर 15 लीटर कौन सा था, ₹15 प्रति लीटर, लीटर नीचे दिया हुआ है ना, इसका मतलब यहाँ पर लीटर में क्या आएगा, जो दूध है वो आएगा,
यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर तो टोटल पानी है तो पानी आएगा। तो यही तो हमें पूछा है कि जी कितना पानी मिलाया जाए, किस रेशो में पानी मिलाया जाए। तो यहाँ से कितना आ गया 9, और ये 15 में से 9 माइनस करोगे 6, ये कितना हो जाएगा 3:2। ये आपका आंसर हो जाएगा 3:2, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा बच्चे। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो मिक्सचर एंड एलिगेशन से आज जितने क्वेश्चन करेंगे उतने ही क्वेश्चन बच्चे प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं, उसके अलावा नहीं है। तो उसके बाद में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, टाइम डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क। ठीक है, टाइम एंड वर्क करेंगे, उसके बाद में टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड करेंगे। एक मिश्रण एक तरल से बनाया जाता है जिसमें 4 भाग पानी और 6 सिरप है। मिश्रण में से कितनी मात्रा पानी से बदल दी जानी चाहिए ताकि मिश्रण में आधा पानी और आधा सिरप हो जाए। इसमें क्या कहा गया है, एक मिश्रण में एक तरल से बनाया गया है जिसमें 4 भाग पानी 6 सिरप है। मिश्रण में मिलाना भी क्या है, पानी, क्योंकि पानी से बदलना है उसको। कितनी मात्रा को पानी से बदल दिया जाए, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। क्यों रखनी है, अब आपको पता है कि जी बदलने के लिए पहले मिश्रण निकालना पड़ेगा, और मिश्रण निकालोगे उसके बाद में जो मिश्रण बचेगा उसमें भी 4 भाग पानी होगा और 6 भाग क्या होगा, सिरप होगा। उसमें भी क्या होगा, 4 भाग पानी होगा, 6 भाग सिरप होगा। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि जी अगर पानी का रेशो उठाते हैं तो 4 भाग पानी है, टोटल कितना है, 4 और 6 10। तो टोटल मिश्रण हमने नीचे लिख दिया, पानी का हिस्सा जितना है वो हमने ऊपर लिख दिया। यहां से क्या आ जाएगा, तो 2/5 आ जाएगा। ठीक है, इसको काटोगे तो 2/5 आ जाएगा, ये हमने उठा लिया, 2/5 आ गया। अब पानी ही मिलाना है, टोटल तो पानी ही मिलाना है, तो 100% पानी मिला रहे हैं ना, और 100% पानी अगर 100% ले रहे हो तो इसमें फ्रैक्शन में क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, अब क्या हो जाना चाहिए, तो आधा पानी हो जाना चाहिए, यानी पानी और सिरप का रेशो क्या हो, 1:1 हो। पानी कितना हिस्सा, 1, टोटल कितने हिस्से, 2। 2 लीटर है तो 2 लीटर में से 1 लीटर पानी होगा। एलसीएम ले लो, और भी तरीका बताऊंगा बच्चे, इन दोनों का नीचे वाले का सबका एलसीएम ले लो, 5 × 2 = 10, 10 एलसीएम लिया, मल्टीप्लाई कर दो, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 5 से 2 पर कटेगा 4, ये कितना हो जाएगा 10, और ये कितना हो जाएगा 5। अब आपको रेशो बताना है, तो यहां से रेशो आएगा कितना, 1:5। ठीक है, ये रेशो आया किसका है, तो ये तो वो आया है, हमने निकालने के बाद में जो भाग उठाया था वो है ना, हमें पता ही नहीं था कितना निकालना। ठीक है, तो निकालने के बाद में जो भाग उठाया था, यानी निकालने के बाद में टोटल क्वांटिटी का रेशो कितना है, 5, और इसके अंदर जो मिलाया गया उसका रेशो कितना है, 1, तो टोटल कितना है, 6, और 6 में से कितना मिलाया गया था, यही पूछा है ना कि कितना भाग बदला जाए, तो बदला गया था वही तो मिलाया गया ना, 1 लीटर निकाला था तो 1 लीटर पानी डाल दिया होगा, यानी 1 भाग निकाला था, टोटल भाग अगर 6 थे, 1 भाग निकाला था तो 1 भाग पानी डाल दिया था, 1/6 आपका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे। अगर आप परसेंटेज में लेते तो कैसे लेते, एलिगेशन ही आपको लगाना होता, परसेंटेज में लगाते तो कैसे लगाते, जब आपने मिश्रण निकाल दिया तो उसके बाद में भी आपके पास कुछ इस तरह से बचेगा कि जी 4 भाग पानी होगा, वाटर होगा, और 6 भाग सिरप होगा। ठीक है, इसी तरह यानी 2:3 हो गया। अगर मुझे यहां पर वाटर का परसेंट बताना है टोटल में से, तो वाटर का परसेंट कितना होगा, 2 है 2 भाग है, टोटल कितना है, 5, 5 में से 2 यानी 40%, 40% पानी है। अब पानी ही मिलाना है तो 100% पानी मिलाना है, और आधा पानी आधा सिरप हो जाए यानी 50% पानी हो जाए। ये निकालने के बाद का रेशो है, मिश्रण निकाल दिया उसके बाद में बचा उसमें भी 40% है। ठीक है, तो यहां पर जो क्वांटिटी आएगी, जो मात्रा आएगी, वो आएगी जब उसमें से मिश्रण निकाल लिया गया था। ठीक है, तो कितना आएगा यहां से भाई, यहां से 50 आएगा, यहां से कितना आएगा, 10 आएगा, तो ये 5:1, यानी निकालने के बाद में अगर 5 लीटर सॉल्यूशन बचा था तो उसके अंदर 1 लीटर फिर पानी डाला गया, यानी निकाला भी कितना गया होगा, 1 लीटर निकाला गया होगा। अगर 1 लीटर निकाला गया होगा तो शुरुआत में टोटल मिश्रण कितना रहा होगा,
तो 5 और 1 6 लीटर रहा होगा। इसने यही तो पूछा है कितने भाग को बदले, तो एक भाग को बदलना है, शुरुआत में 6 था तो 1/6 भाग बदलना पड़ेगा, बी ऑप्शन। ठीक है, उम्मीद करता हूं अब तो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो फिर भी अगर डाउट हो तो बता देना बच्चे, क्योंकि हम रेशियो, प्रोपोर्शन, मिक्सचर एंड एलिगेशन पढ़ेंगे ना, तब बहुत डिटेल से इन चीजों को मैं समझाऊंगा, जो आपकी चैप्टर वाइज क्लासेस चल रही है 8:30 बजे शाम को होती है उसमें। ठीक है, एक पात्र में एसिड और पानी का 80 लीटर घोल है, जिसमें 45% एसिड है, 75% एसिड वाला घोल बनाने के लिए इसमें कितना एसिड और मिलाया जाना चाहिए। उसके अंदर एसिड कितना है, 45% है, पहले कितना है 45% है, निकालना नहीं है अब सिर्फ मिलाना ही है। अब 75% एसिड वाला घोल बनाने के लिए उसमें कितना एसिड और मिलाएं, एसिड ही मिला रहे हैं यानी 100% एसिड ही होगा वही मिलाएं। जैसे पानी मिलाते हैं तो पूरा 100% पानी ही होता है ना, उसी तरह एसिड मिला रहे हैं तो 100% एसिड। घोल हो कितने का जाना चाहिए, मिक्सचर 75% का हो जाना चाहिए, तो 75% यहां पर लिखेंगे, डिफरेंस क्रॉस करोगे तो यही कह रहा है कि जी कितने लीटर, तो शुरुआत में हमें 80 लीटर दिया था और ये शुरुआत का हमने उठाया है, ये जो मिलाएंगे वो हम उठाएंगे। ठीक है, ये जो मिलाया है टोटल क्वांटिटी जो आएगी इसके डिवाइड में, टोटल क्वांटिटी किसकी है, जितना जो मिला रहे हैं टोटल। ठीक है, और ये क्या है, ये जो शुरुआत में टोटल रही होगी, तो यहाँ पर रेशो किसका आएगा, जो शुरुआत में क्वांटिटी है उसका रेशो आएगा, यहाँ पर रेशो किसका आएगा, यहाँ पर रेशो किसका आएगा जो मिला रहे हैं। ठीक है, तो यहां से कितना हो जाएगा 25%, यहां से कितना हो जाएगा 30%, ये आ गया 5:6। यानी अगर पहले 5 था, लेकिन पहले 5 नहीं था, पहले 80 लीटर था, 5 की वैल्यू हो गई 80, 1 की वैल्यू हो गई 16, तो 6 की वैल्यू, 6 मिलाया गया ना, तो 6 की वैल्यू तो 16 6 96, यानी 96 लीटर आपको मिलाना पड़ेगा। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा बच्चे, क्या होगा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्या कहता है देखो। ये क्वेश्चन आधा यहां पर है, आधा शायद आगे वाले पेज पे चला गया, देखते हैं। ब्रांड ए में 2 प्रकार के तेल एक्स और वाई का अनुपात दे रखा है, कोई ए ब्रांड है जिसमें एक्स वाई का अनुपात दे दिया, जबकि बी ब्रांड में एक्स वाई का अनुपात दे दिया। ब्रांड ए के 35 लीटर में ब्रांड बी का 10 लीटर तेल मिलाया जाता है। ठीक है, ए के अंदर एक्स और वाई का अनुपात कितना है, 4:3 है, और बी में ये कितना है, 2:3 है। ए के 35 लीटर में बी का 10 लीटर तेल मिलाया जाता है, ए का कितना 35 लीटर, बी का 10 लीटर। अब आगे पढ़ते हैं, इस प्रकार बने तेल में एक्स और वाई का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनको इक्वल कर लेते हैं, ये कितना है 4 और 3 7 हो जाएगा, ये कितना है 3 और 2 5 हो जाएगा। इक्वल करने के लिए तो एलसीएम इनका 35 आया, यहां पर 5 से मल्टीप्लाई कर दो, यहां पर 7 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब क्या करना है, तो अब हमें इनको मिलाना है, इसका 35 लीटर हो तो इसका 10 लीटर, तो रेशियो में ही ले लेते हैं, 7 5 35, 5 2 10, यानी अगर इसका 7 लीटर हो तो इसका 2 लीटर होना चाहिए, तो यहां 7:2 में इनको मिलाना है, यानी अगर ये 7 यूनिट उठाते हैं तो ये 2 यूनिट उठानी है। ठीक है, तो 7 5 35 और 35 4 कितना हो जाएगा 140, इस 35 को यहां पर भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, अगर ये टोटल 7 था, अब इसके साथ 35 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको यहां भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 35 तीय कितना होगा, तो 105, यानी पहले में एक्स और वाई कितना हो गया, ये हो गया। ठीक है, यहां पर 7 2 14, 14 2 कितना हो गया 28, और ये 7 2 14, 14 3 42। अब आपको क्या करना है, अब आपको सीधा जोड़ देना है कि जी तीसरे में मिलाएंगे, यहां से ये उठाया, यहां से बी से ये उठाया, दोनों को मिला दिया, तो अब ये किस रेशो में, यहां पर अगर 35 लीटर उठाया, यहां से अगर 10 लीटर उठाया, तो कितना हो जाएगा, वो यहां पर आपके पास रेशो आ जाएगा।
ठीक है, कितना हुआ 168, ये कितना हुआ 140 और एक 147, तीन पर कट रहा है ना, 8 और 1 9, हाँ तीन पे कट रहा है, 5 तीय 15, 6 तीय 18, 4 तीय 12, बच गया 9 तीय 27, 7 पे कट रहा है 8 और 7, तो आंसर क्या हो जाएगा 8:7 हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ये एक्स और वाई का रेशियो आपको बताना था। ठीक है, चलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसे कहा जाए ऐसे क्वेश्चन जब भी आए पहले आप उनकी क्वांटिटी को इक्वल कर लो और फिर जिस रेशियो में वो मिलाने को कह रहा है उस रेशियो में उनको ले आओ। ठीक है, चावल की दो किस्म ए और बी का मूल्य 60 रुपए प्रति किलोग्राम और 65 रुपए प्रति किलोग्राम है, इनके एक अनुपात में इस प्रकार मिश्रित किया जाता है, किसी प्राप्त मिश्रण को दुकानदार 68 रुपए 20 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 10% का लाभ अर्जित कर सके। ठीक है, मिश्रण का अनुपात क्या होगा, एलिगेशन ही इस पर लगा देंगे। ठीक है बच्चे, स्टेनोटाइपिस्ट एग्जाम में क्वेश्चन आया था, क्या कहता है देखो, चावल की दो किस्म है ए और बी, मूल्य कितना है, ए का मूल्य है 60 रुपए प्रति किलोग्राम और बी का मूल्य है 65 रुपए प्रति किलोग्राम, और इनको किन अनुपात में मिलाया जाए, यानी यहां पर जो आएगी वो क्वांटिटी आएगी ना इनकी, तो किन अनुपात में मिलाया जाए, किसी इनको 68 रुपए 20 पैसे के हिसाब से बेचा जाए तो कितना प्रॉफिट हो, 10% का प्रॉफिट हो, यानी अगर ये 110 की वैल्यू है ना बच्चे, तो 100 की वैल्यू आपको यहां से निकाल लेनी है, क्योंकि यहां पर जो होता है ना बीच में ये मिश्रण का सीपी होता है, लेकिन ये तो एसपी है ना मिश्रण का, इस रेट में बेच करके प्रॉफिट कमा रहा है, इसका मतलब ये एसपी हुआ। ठीक है, लेकिन सीपी हमें निकालना पड़ेगा, तो ये पॉइंट हटाने के लिए यहां पर जीरो लगा देते हैं, 10 लिख देते, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 11 छिके 66, 11 दूनी 22 62 रुपए आ गया, यानी यहां पर सीपी क्या रहा होगा, 62 रुपए मिश्रण का सीपी रहा होगा। तो अब हम बता सकते हैं कि जी मिश्रण किस रेशियो में मिलाया गया होगा, तो यहां से कितना आया 3, यहां से कितना आया 2, 3:2, यानी इसका अगर 3 किलोग्राम उठाया तो इसका 2 किलोग्राम उठाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा बच्चे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्या कहता है देखो, एक कंटेनर में स्प्रिट और पानी का मिश्रण 90 लीटर है, इसमें स्प्रिट और पानी का अनुपात 2:1 है, इस मिश्रण में से कितना पानी और मिलाया जाना चाहिए, यदि स्प्रिट और पानी का परिणाम स्वरूप अनुपात कितना हो जाए, 1:2 हो जाए। ये पहले वाले क्वेश्चन जैसा ही है, मैं करवा देता हूँ, स्टेनोटाइपिस्ट के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, 90 लीटर आपके पास टोटल है बच्चे, और रेशो क्या है, 2:1 में है स्प्रिट और वोटर पानी, तो ये 90 लीटर है, तो यहां पर टोटल कितना हो रहा है, 3, 3 की वैल्यू कितनी हो गई 90 लीटर हो गई, 1 की वैल्यू तो 30 लीटर, 2 की वैल्यू तो 60 लीटर और 1 की वैल्यू 30 लीटर, यानी यहां पर यहां ऐसे इस रेशो में रहा होगा। अब क्या क्या इस मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए, यानी पानी तो मिलाया है कुछ, x लीटर ही मान लेते हैं। ठीक है, किसी रेशो कितना हो जाए, 1:2 हो जाए, यानी चेंज जो हुआ वो सिर्फ पानी में हुआ। अब ये जो मिश्रण था जिसके अंदर 60 लीटर स्प्रिट था 30 लीटर पानी था, उसके अंदर पानी मिलाया तो क्या स्प्रिट में कुछ चेंज होगा, नहीं होगा, उसमें तो 60 लीटर ही रहेगा, यानी यहां भी स्प्रिट कितना है 60 लीटर है, तो यहां पर पानी कितना हो जाएगा, 1 की वैल्यू 60 है, 2 की वैल्यू 120 हो जाएगी, यहां पर कितना था 30 लीटर पानी था, यहां पर कितना है 120 लीटर पानी है, तो यहां पर 120 लीटर पानी है, वहां 30 था, तो 90 लीटर पानी और मिलाया गया होगा ना, तभी तो 120 लीटर हो गया 30 से। ठीक है, तो 90 लीटर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बच्चे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्या कहता है, एक बर्तन में 100 लीटर दूध है, 10% दूध के स्थान पर उतनी ही मात्रा में पानी मिलाया गया, यह प्रक्रिया 3 बार की जाती है, मिश्रण में दूध की वर्तमान मात्रा कितनी होगी, यह आपको बताना,
ठीक है, इलेक्शन वाले अगर क्वेश्चन आपने कभी पढ़े होंगे तो इसको आसानी से कर लोगे। ठीक है बच्चे, 10% दूध के स्थान पर उतनी ही मात्रा में पानी मिलाया गया, यानी शुरुआत में जब 100 लीटर दूध था उसमें से 10% दूध निकाल लिया गया, यानी 100 लीटर का 10% यानी 10 लीटर निकालेगा। ठीक है, कितने में से निकाल रहा है तो 100 में से, यानी कितना भाग निकल रहा है, 1/10, यानी 10 में से एक भाग निकल रहा है, तो बचेगा कितना हमें तो ये बताना है ना, कि दूध की वर्तमान, मिश्रण में दूध की वर्तमान मात्रा, यानी दूध कितना बच रहा है, हमारे पास दूध है कितना, 100 लीटर है। जब पहली बार प्रक्रिया की गई तो आपने दूध इसमें से निकाल लिया, पानी डाल दिया, यानी एक हिस्सा दूध निकला तो एक हिस्सा पानी भी डल जाएगा, दूध कितना बचा, 10 में से एक हिस्सा निकल गया तो 9 हिस्से दूध बचेगा, और कितने में से, तो 10 में से। ठीक है, लेकिन यह प्रक्रिया 3 बार और की जाती है, 3 बार और की जाती है तो दूसरी बार भी यही होगा, मिश्रण का 9/10 बचेगा दूध, फिर ये जो मिश्रण बचा है इसमें से मिश्रण निकाला गया और फिर पानी डाल दिया गया, यानी अब भी मिश्रण का 9/10, और फिर चौथी बार भी मिश्रण का 9/10। तो यहां से 2 जीरो से तो 2 जीरो कट जाएंगे, यहां से कितना आएगा, 81, और 81 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, 81 की मल्टीप्लाई करोगे यानी 6400 तो होएगा, 1 8 8 64, 1 16 5 1.2 के बाद तो 65.61, तो 65.6 कितना हो जाएगा, 65.6 लीटर बचा हुआ दूध है। ये बचा हुआ दूध ही हम निकाल देते हैं, हमें पूछता कि पानी कितना होगा, तो ये इतना दूध है 100 लीटर में से, तो बाकी क्या है, बाकी पानी है, 100 में से 65.61 घटा देते हम। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक जार में विस्की है जिसकी अल्कोहल का अनुपात 30% है, इस विस्की की थोड़ी सी मात्रा को एक अन्य ब्रांड से बदल दिया जाता है। बदल दिया जाने का मतलब यह है कि जी उसमें से विस्की निकाल ली जाती है और उसमें दूसरा ब्रांड डाल दिया जाता है, यानी उसमें से कुछ निकला भी है और उसमें कुछ डाला भी गया। ठीक है, अन्य ब्रांड से बदल दिया जाता है जिससे अल्कोहल का अनुपात 19% है। जब विस्की में अल्कोहल का अनुपात 26% हो जाता है, बदली गई विस्की की मात्रा आपको बतानी है। क्वेश्चन वैसा ही है, आपको ये बात ध्यान रखनी है बच्चे जी, जब मिश्रण निकाल लिया जाएगा तो भी उसमें निकालने के बाद जो मिश्रण बचेगा उसमें भी विस्की का जो परसेंटेज होगा ना बच्चे, वो 30% ही रहेगा। ये निकलने के बाद में टोटल जो सॉल्यूशन बचा है वो है, जब निकाल लिया गया मिश्रण में से जितना उसको निकालना था वो निकाल लिया गया, तब जो बचा सॉल्यूशन है उसका 30% ये है, तो इसके डिवाइड में क्या है, वो सॉल्यूशन है जो अब निकालने के बाद में बचा है। ठीक है, और 19% जो अल्कोहल वाला मिश्रण मिलाया गया है ये मिला रहा है, और कितने परसेंट अल्कोहल वाला मिश्रण बन जाता है इससे, तो 26% वाला बन जाता है। तो इसने यही कहा है कि जी बदली गई विस्की की मात्रा कितनी है, तो यानी कितना हिस्सा बदला गया है। ठीक है, तो यहां से डिफरेंस निकालोगे, 7%, 4%, यानी कितना आया, 7:4। ये क्या है, ये निकालने के बाद में बची मात्रा है, 7 लीटर हमने मान ली, तो उसके अंदर दूसरी विस्की कितनी मिलाएगी, 4 लीटर मिलाएगी। 4 लीटर क्यों मिलाएगी, अगर बदल रहा है तो 4 लीटर मिश्रण पहले निकाला होगा, तभी तो 4 लीटर उसके अंदर विस्की दूसरी डालनी पड़ी ताकि मिश्रण पूरा का पूरा उतना ही रहे। ठीक है, तो टोटल शुरुआत में मिश्रण कितना था, 11 था, और उसमें से बदला कितना है, तो 4 बदला है, 4/11 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, ये था इस वीडियो का आपका अंतिम क्वेश्चन। वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताना, और जिसको भी डाउट है ना बच्चे, वो प्लेलिस्ट में जा करके एक बार बेसिक जो हम कंसेप्ट पढ़ रहे हैं वो वीडियो देख सकता है। नंबर सिस्टम हमारा चल रहा है, नंबर सिस्टम की प्लेलिस्ट खोलोगे वहां पर वीडियोस मिल जाएंगी आपको, और वो वीडियोस आप देख सकते हो। उसके बाद में हम अर्थमेटिक स्टार्ट करेंगे, तो इनको हम बिल्कुल डिटेल से भी पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर वाइज चीजें हम अच्छे से करेंगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन वहां भी हम पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छी लगी
लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना। अच्छी ना लगे, जिसने सब्सक्राइब कर रखा है उसको भी अच्छी ना लगे तो अनसब्सक्राइब कर देना, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाई मुझे बता करके जरूर जाना ये कमी है, ताकि हम सुधार पाएं, ठीक है? इस वीडियो में इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, ठीक है भाई? महामारी का टाइम चल रहा है, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।